आजा सजन मधुर चांदनी में हम। इसका जो इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक है ना, वो इंस्टाग्राम रील पर इस वक्त बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक का, इस वायरल रील का आप बेनिफिट कैसे उठा सकते हैं। मैंने इस म्यूजिक पर ऐसी रील्स भी देखी जिसमें देखने लायक तो कुछ भी नहीं था, लेकिन अगर व्यूज की बात करें तो लाखों में उन पर व्यूज थे। सो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि ये रील बहुत वायरल चल रही है और सबको व्यूज दे रही है। लेकिन आपको पता है, जो भीड़ में सबसे अलग करे वो बाजी मार जाता है और उसे कहते हैं बाजीगर। और आपने बाजी मारनी है अपने कंटेंट से। मैं आपको चार टिप दूंगा, अगर आप इन चार टिप को इस ट्रेंड पर अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली आपकी रील्स नेक्स्ट लेवल पर होगी और ढेर सारे व्यूज लेकर आएगी। यार वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वही बात कहूंगा, चैनल को लाइक करो, सॉरी चैनल को सब्सक्राइब करो। यार क्या हो गया मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। और हाँ, एक और चीज थी यार, क्या था, हाँ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना यार। बेल आइकन प्रेस नहीं करोगे तो काम नहीं होगा, नोटिफिकेशन आपको आएगी न्यू वीडियोज की। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा लो और न्यू वीडियोज का वेट करो, अच्छी अच्छी वीडियोज आपके लिए आएंगे। और पूरे यूट्यूब पर यार आपको कोई भी ये नहीं बताएगा जिस तरीके से मैं अभी आपको बता रहा हूँ, ट्रेंडिंग रील्स पर किस टाइप का कंटेंट बनाना चाहिए। ये सिर्फ कॉन्सेप्ट वीडियो मैं ही बनाता हूँ और शायद मेरे वीडियो बनाने के बाद दूसरे यूट्यूबर इसे कॉपी पेस्ट करने लगे। तो पूरे यूट्यूब पर आप देख सकते हैं कोई भी नहीं बना रहा, एक परसेंट भी चांस नहीं है, सिर्फ मेरी वीडियो से आपको मिलेंगे इस टाइप की वीडियोज। सो मुझे सपोर्ट करो ताकि मैं आपके लिए और वीडियोज लेकर आ सकूं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबा लो और वीडियो को एक लाइक करो, अच्छा सा कमेंट भी कर देना यार। नाउ चलिए बात करते हैं फर्स्ट टिप की। कल अगर आप इस रील को ध्यान से सुनेंगे तो आपको एक फील आएगा पुराने जमाने का, पुराने टाइप की म्यूजिक का। और सही बात है कि पुराने टाइप का म्यूजिक ही है जिसे दोबारा अब हम 2021 में सुन रहे हैं वायरल इंस्टाग्राम रील्स के रूप में। सो आपके माइंड पर एक चीज तो क्लियर हो चुकी है, ये पुराना म्यूजिक है। सो इस पर किस टाइप का कॉन्टेंट आना चाहिए? अकॉर्डिंग टू मी आपको ऐसा कॉन्टेंट बनाना चाहिए जिसका फिल्टर कुछ इस तरीके से हो। आप समझ सकते हैं ना, कुछ इस तरीके का फिल्टर आप लगाना है जिसको देखने के बाद ऐसा लगे कि हम कोई पुरानी मूवीज देख रहे हैं या कोई ऐसा कुछ क्लिप देख रहे हैं जो काफ़ी पुराना है और हमें कुछ पुरानी यादों पर लेकर जा रहा है। सो कुछ इस तरीके का आपका फिल्टर होना चाहिए, या कोई भी आप कुछ भी कह लें, इफेक्ट हो फिल्टर हो, आपका कंटेंट जो होना चाहिए कुछ इस टाइप में दिखना चाहिए। सो ये है आपकी फर्स्ट टिप। अगर आप ये अप्लाई करते हैं तो आपकी जो रील है उस पर चार चांद लग सकते हैं। मैं आपको 100% नहीं कह रहा हूँ कि आपको लगाना ही लगाना है, लेकिन अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी रील नेक्स्ट लेवल पर जा सकती है। सेकेंड टिप, आप किस टाइप के शॉर्ट्स इस ट्रेंडिंग रील पर ले सकते हैं। वैसे तो आप बहुत सारे शॉर्ट ले सकते हैं अपनी क्रिएटिविटी पर, लेकिन यहां पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा दो शॉर्ट्स जो आपको लेने ही चाहिए। इसके अलावा आप बाकी चीजें कर सकते हैं, लेकिन इन दो शॉर्ट्स को आप जरूर लें। फर्स्ट शॉर्ट है ट्रैवलिंग शॉर्ट। आप कहीं पर भी ट्रैवल करते हैं तो वहां पर आप ट्रैवलिंग शॉर्ट्स जरूर लें। काफी मैंने ऐसे वीडियोज देखे जो ट्रेन पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ शॉर्ट्स क्रिएट करके उन्होंने कंबाइन कर दिया और उसके बाद एक ब्यूटीफुल रील्स बनाई है। सो इस टाइप के आप शॉर्ट्स ले सकते हैं, छोटे छोटे शॉर्ट्स को आप क्रिएट करके उनको कंबाइन करके एक ब्यूटीफुल रील बना सकते हैं। अब बात करते हैं सेकंड शॉर्ट की। सेकंड शॉर्ट में आप नेचर की फुटेज ले सकते हैं। शॉर्ट शॉर्ट क्लिप्स अगर आप शूट करते हैं तो उसको कंबाइन करके आप एक बेहतरीन रील बना सकते हैं जो कि इस म्यूजिक पर काफी सूट करता है और बेहतरीन आपको व्यूज दिला सकता है। थर्ड टिप, आपकी जो रील है वो स्टोरी टेलिंग होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपकी रील स्टोरी टेलिंग नहीं होगी तो लोग आपके साथ कनेक्ट नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कोई रील देखी एंड मैं उनके साथ कनेक्ट हो गया, मैंने उस रील को देखकर मेरे बचपन की याद आ गई, ठीक है। तो मैंने अपने बचपन को उसके साथ रील के साथ कनेक्ट किया, उस रील को देखने के बाद मुझे बचपन की याद आई। ठीक इसी तरह आपकी रील को किसी ने देखा, रील को देखने के बाद उसे भी अपने पुराने टाइम की पुराने डेज याद आ गए, या उसको स्कूल डेज याद आ गए, या उसको किसी भी तरीके से उसने पुराने दिनों को याद कर लिया। सो कुछ भी आप अपना क्रिएटिविटी दिखाएं इसमें, तो आप क्या कर सकते हैं जिससे लोग कनेक्ट हो रहे हैं। जब लोग कनेक्ट होते हैं ना तो क्या करते हैं, वो टैग करते हैं, अपने फ्रेंड्स को टैग करते हैं, देख यार हम इस तरीके से पुराने डेज ओल्ड डेज में ये किया करते थे, ऐसा किया करते थे, इस टाइम पर ऐसा हुआ करता था। वो अपने फ्रेंड्स को टैग करते हैं। काफ़ी रील्स आपने ऐसे देखी होंगी जो एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं और टैग करते हैं। सो इस तरीके से आप ऑडियंस के साथ एंगेज हो सकते हैं। जितने कमेंट्स आपके होंगे उतना ज़्यादा एंगेजमेंट आपका बढ़ेगा, इसलिए स्टोरी टेलिंग रील्स ज़रूर बनाएं। फोर्थ टिप एक मिस्टेक है जो शायद आपको नहीं करनी चाहिए। अगर आपने इस म्यूजिक को ध्यान से सुना होगा तो ये म्यूजिक जो है वो इमोशन को कनेक्ट करता है। सो आपको ऐसा रील बनाना है जो इमोशन को कनेक्ट करे। आपको कॉमेडी रील इस पर बिल्कुल भी नहीं करना है, ये है फोर्थ टिप। कॉमेडी रील अगर आप इस पर बनाएंगे तो शायद इसके साथ वो एडजस्ट नहीं हो सके। आपको ज़्यादा बहुत ज़्यादा सोचना पड़ेगा इसमें कॉमेडी ऐड करने के लिए, क्योंकि उस टाइप का म्यूजिक ये बिल्कुल भी नहीं है। सो गलती से भी आप ना करें तो मेरी सजेशन तो यही है, अकॉर्डिंग टू मी आप कॉमेडी रील्स इस म्यूजिक पर, खासकर इस म्यूजिक पर बिल्कुल भी यूज ना करें।
आई होप गाइस ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो और कमेंट सेक्शन पर जरूर लिखना आपको ये वीडियो पसंद आई है, ताकि मुझे पता चल सके यार इस टाइप का कंटेंट दोबारा बनाना पड़ेगा। आप जरूर लिखें कि इस टाइप का कंटेंट और बनाएं, ताकि मैं और ऐसे कंटेंट आपके लिए लेकर आ सकूं। क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि यूट्यूब पर आपको कोई भी ऐसा बंदा नहीं मिलेगा जो इस टाइप का कंटेंट बना रहा है, इकलौता मैं ही हूँ जो इस टाइप का कंटेंट बना रहा है, जो रील्स के बारे में डिस्कस करता है और उसमें आपको आइडियाज देता है। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा दो। और हाँ, इंस्टाग्राम ग्रोथ से रिलेटेड और वीडियोज़ को देखना चाहते हैं तो इस प्लेलिस्ट को जरूर क्लिक करें। इस प्लेलिस्ट में मैंने बहुत सारी वीडियोज़ बनाई हुई हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे इंस्टाग्राम में ग्रो करने के लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद एंड स्टे ट्यून्ड।